हेलो गाइस आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 22 करेंगे जो कि क्लास सेवेंथ की है और सब्जेक्ट है साइंस ये वर्कशीट थर्टी एथ सेप्टेम्बर टू की है तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट न्यूट्रिशन इन एनिमल टूथ डी के इफ वी डोंट क्लीन आर टीथ माउथ आफ्टर ईटिंग मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लाइव एंड डीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर हम ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं टाइम से नहीं करते हैं, तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे माउथ में होते हैं और जो जो खाना है जो भोजन हमारे दांतों में फंस जाता है उसके साथ वो क्या करते हैं उसको उसकी जो शर्करा है उसका जो शुगर है उसको किसमें एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं ध्यान से समझो जो, जो भी खाना हमारे मुंह के अंदर बच गया है ना तो ये हा, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं ये उस पर रिएक्ट करते हैं और उसको एसिड में

डीके इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट को सर्वल टूट एंड द एक्सट्रीम कोज रिजल्ट ऑफ द टूथ लॉस क्या है अगर इसका सही समय पे क्या ना किया जाए टूट दीके का ध्यान ना रखा जाए तो क्या होगा बहुत ज्यादा दांतों में दर्द होगा इसके अलावा क्या होगा दांत टूटकर गिर भी सकते हैं सम सम वेज देर आर सम वे थ्रो विच वी कैन प्रोटेक्ट आर टीथ फ्रॉम डीके हम कुछ तरीकों से अपने दांतों का ध्यान रख सकते हैं टूट डीके से बचा सकते हैं क्लीन द टीथ विद्रश एट लीस्ट ट्वाइस अ डे राइज र माउथ आफ्टर एवरी मील हर मील के बाद हमें क्या करना है कुल्ली करनी है वी शुड नॉट पुट ड्राई डर्टी फिंगर एंड एनी वट ऑब्जेक्ट इन द माउथ हमें कोई भी चीज गंदी फिंगर्स या कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने माउथ में नहीं लेना है अब करते हैं बहुत ही आसान इसके क्वेश्चन आंसर है देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर वन में वट हैपन इफ टू डिके इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम टाइम से अगर टू डिके को नहीं देखा जाए तो क्या होगा देखो यहां पे इसका आंसर है इफ टू डिके इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉज सर्वल टू टेक एंड द एक्सट्रीम कॉज रिजल्ट इन टूथ हमारा क्या हो सकता है टूथ लॉस भी हो सकता है नेक्स्ट वट विल हैपन इफ आर टीथ इज नो इट डोंट ब्रश आर टीथ रेगुलरली अगर हम हमारे ब्रश जो टीथ है वो जो हमारा टीथ है उनको ब्रश रेगुलरली नहीं करते तो क्या होगा हार्मफुल जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करेंगे ग्रो करेंगे इफ आंसर नंबर टू इफ वी डू नॉट

राइट टू सेव टू प्रोटेक्ट टीथ फ्रॉम आर्ट पूर्ति के हम किस तरह से टूथ टीके से अपने आप को बचा सकते हैं टू आपको मेथड बताने हैं तो हम यहां पे तीन दिए गए हैं तीनों ही आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर थ्री तो ये थी आज की वर्कशीट वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू गाइज